इस बीच बढ़ते ही आगे बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी को समाजवादी पार्टी में उसका विलय हो सकता है। जन अधिकार पार्टी का सपा में होगा विलय। पिछले चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन किया था, मायावती के करीबी रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह की पत्नी सपा से चुनाव भी लड़ चुकी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि मायावती के करीबी बताए जाते हैं, और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुकी है। तो पिछले चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन किया था उनकी पार्टी ने, और अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी का समाजवादी पार्टी में हो सकता है विलय। जन अधिकार पार्टी का सपा में विलय होगा, और पिछले चुनाव में ओवैसी के साथ इस पार्टी ने गठबंधन किया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करा सकते हैं समाजवादी पार्टी में। मायावती के करीबी ये बताए जाते हैं, और पिछली बार ओवैसी के साथ गठबंधन किया था। बाबू सिंह की पत्नी सपा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो नेताओं के दल बदलने के साथ साथ पार्टी के विलय का दौर भी चल रहा है, ताकि मजबूती के साथ चुनावी एजेंडा सेट किया जा सके, चुनाव लड़ा जा सके। और इसी कड़ी में अब एक बड़ा नाम बाबू सिंह कुशवाहा का बताया जा रहा है, जो कि मायावती के बेहद ही करीबी माने जाते रहे हैं,